अगर मंजिल दिन रात सदा चलना, बनना है अगर सोना सूरज की तरह तपना। बना लो अपनी खुददारी जीवन का अपने गहना, लाख दुखों का पहरा हो चाहे सागर कितना गहरा। पार करो मेहनत हिम्मत से सारा घना अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। जबरदस्ती का रिश्ता नहीं टिकता है। चाची जी ने जहाँ मेरा रिश्ता तय किया अब मैं वहीं शादी करूँगी। वो रिश्ता तुम्हारे लायक नहीं है। चाचा जी आप चिंता मत कीजिए, रिश्तों को कैसे निभाते हैं ये मैंने आप ही से सीखा है। बेटा मेरी गलती की सजा तुम अपने आप को क्यों दे रही हो? लेकिन तुम अपने पिताजी को इतने आदमी से बेइज्जत कराने का क्या तुमको गरज था? आदमी वही रंग देखता है जो मैं दिखाता हूँ, और इसीलिए ये सब करना पड़ता है। और तुम्हारी अभी वो औकात नहीं इससे ज्यादा जान पाओ। और उसका हिम्मत कैसे हुआ इस तरह से बदतमीज आपको देखने का? अच्छा एक बात बताइए, आप किस किस से हमारे खाते लड़ेंगे? सबसे लड़ेंगे भौजी। साफ कर दिया जाएगा तो फिर बाद में मेहनत नहीं करना पड़ेगा ना माँ? लेकिन चावल तो साफ रखा है ना घर पर। ए? घर में अचानक मेहमान आ गए बहुत सारे तो क्या करोगी? और मान लो मौसम खराब हो गया तब क्या करोगी? देखो बहुरिया, घर गृहस्थी की कुछ जरूरी बातें ना हम तो का बता रहे। समय से पहले ही ये सब तैयारी कर देना अच्छी बात है। ठीक है माँ, मैं चावल निकाल देती हूँ। राम राम भौजी। भौजी आपके पास बहुत बड़ा वाला भगोना है ना, तनी दीजिए ना। अरे पहले बैठो तो सही, कैसे ना बैठो बैठो। अरे अच्छा ठीक, हमको थोड़ा जल्दी है। सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। पहले ये बताओ भगोना का तुम क्या करोगी? वैसे भी तुम्हारे घर में तो उतने सारे बर्तन हैं। अरे भौजी घर में कुछ मेहमान आए हैं, हिरनिया का रिश्ता तय करने के लिए वही खातिर चाहिए। और एक बात, वो बहुरिया के एक मायके से जो फूल का बर्तन आया है तनी दीजिएगा ना वो भी। चाची किरण दीदी की शादी तय हो रही है क्या? क्या बात है भौजी, हिरनिया का ब्याह अचानक ही तय कर रही हो का? कोनो अच्छा रिश्ता हाथ लग गया है? क्या बताए भौजी, आपसे कुछ छुपा थोड़ी ना, आप भी एक जवान बिटिया की माँ है। जब जवान लड़की के बारे में समाज में बात होने लगे तो कोई का करे? बिन माँ बाप की लड़की को आपन बिटिया जैसे पाले हैं, पर हमको ईद दिन देखना पड़ेगा, हमको नहीं पता था। बस क्यों तरह किरणिया का ब्याह हो जाए फिर वो अपन जिंदगी में जॉन करे, वो जाने ओकर आदमी जाने। लेकिन चाची हुआ क्या है, किरण दीदी ने ऐसा किया क्या है? का बताए तुमको, अरे पूरा गांव देहात बात कर रहा है, तुमको पता नहीं है का? बस एक बार इज्जत से किरण की शादी हमारे घर से हो जाए हम तो गंगा नहाएंगे भौजी। चाची कोई जरूरी तो नहीं समाज जो बातें बना रहा हो वो सब सच हो। आप भी एक औरत हैं और ये बात अच्छे से जानती हैं कि एक औरत के व्यक्तित्व और चरित्र पर उंगली उठाना कितना आसान है, और समाज उसकी सफाई देने की जिम्मेदारी भी उस औरत पर डाल देता है। ऐसे समय में तो हमें किरण दीदी के साथ खड़े रहना चाहिए। मैं किरण दीदी को अच्छे से जानती हूँ, वो कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती। अब क्या बताए बहन, तुम तो सब जानती हो ना, देखो आजकल के लड़का लड़की इतने होशियार हो गए हैं कि खुद फैसले ले लेते हैं।
ओकरे बाद बात करते हैं खाली माँ बाप को पता चलने के खातिर। उनको तो समाज का कोनो पड़ा ही नहीं है, लेकिन सर तो माए बाप का ही झुक जाता है ना, बताओ। बहुरिया ठीक कह रही है भौजी, जवाब दे ही तो लड़की का ही होता है। लड़का से कोई पूछने बोलने नहीं जाता है। अब एक बात बताइए आप, धीरज से कोई पूछने गया का? आज जो कुछ भी हो रहा है भुगतना तो हम लोगों को और किरणिया को ही पड़ रहा है। लेकिन चाची, बस बात तो सही है मास्टर आए, लेकिन अब तुम ही बताओ, धीरज और हम समाज के सामने आके सफाई देंगे तो क्या वो लोग बात मान लेंगे? अरे जिसका जैसन सोच है ना वो वैसा ही सोचेगा। समाज का कहा है, उसको तो सिर्फ आक्षेप लगाने से मतलब है, लेकिन आपको और हमको मजबूत होना पड़ेगा। अरे के समाज के सामने खुद ही लड़ना पड़ेगा ताकि हमरे पे भी अपना भरोसा कायम रहे। धीरज बेटा क्या कर रहा है? एक काम करते हैं, पूछते हैं। अरे भैया इतना सारा फूल क्या काम है इससे? अरे झाड़ है, कलम बना रहे हैं, इसी से तो पौधा बनेगा। इतना सारे कलम, अब का पूरे घर में बगीचा लगाना है का? अरे नहीं चाचा, बगीचा नहीं बनाना है, बस गुलाब की खेती करनी है। गुलाब की फूलों की खेती? अरे भाई लोग घर में सुंदरता के लिए महक के लिए लगाते हैं, जरा देखें। एक बात तो है, इसकी खुशबू से मन प्रसन्न हो जाता है। अरे हमारे बगीचे में जब फूल खिलता है तो हमारा दिल तो वैसे ही प्रसन्न हो जाता है। ज्यादा खिलो मत, ये तो कांटा चुभ गया ना तो यही मुरझा जाओगे। हाँ। अरे भाई फूल मुरझाने से पहले अगर इसकी आय मिल जाए तो गुलाब की खेती करने में बुराई क्या है? का बात कर रहे हो धीरज बेटा, फूलों की खेती से भी पैसा कमाया जा सकता है। अरे बहुत अच्छी आय होती है इससे, एक बार गुलाब का पौधा लगाने से 7 से 15 साल तक आय होती रहती है, बस थोड़ी सी देख रेख की आवश्यकता होती है। अरे धीरज भैया मेहनत तो हर काम में, ये बताइए कि फायदा कैसे होगा? अगर कमाई की बात करें ना तो 1 बीघा में 40 से 50 हजार प्रति महीने कमा सकते हैं। बाप रे, 40 से 50 हजार। हाँ धीरज बेटा जरा हमको बताओ नहीं खेती कैसे किया जाता है? अरे भाई देखो, अब जब जिस चीज से किसान को फायदा हो उसके बारे में जानना ही चाहिए, जरा बताओ बेटा। अरे चाचा देखिए, इन फूलों का इस्तेमाल खाली पूजा में नहीं होता है, आयुर्वेदिक दवाएं बनाने में भी होता है। अब देखो जैसे गुलाब जल, गुलकंद, सब गुलाब से ही तो बनता है। हमको भी इसी बात का डर है, धीरज शहर में रहा है,
एकदम खुले माहौल में। अरे लोग यहाँ बाहरी लड़की को लेके जब बातें बना सकते हैं, तो यहाँ तो जेठ और भौजाई का मामला है। अरे सूरज की मेहरा रुए आशा अपने घर और परिवार को अपनी आंखों के सामने टूटते हुए नहीं देख सकते। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। किसके रोके रुका है सवेरा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसके रोके रुका है सवेरा। और तो हाँ, सौंदर्य प्रसाधन में भी इसकी बहुत मांग है। अरे भैया, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि गुलकंद भी गुलाब की पंखुड़ियों से बनता है। अच्छा ये बताइए कि व्यावसायिक रूप से गुलाब की खेती कैसे होती है? अरे जैसे आम खेती की जाती है, वैसे ये भी की जाती है। सबसे पहले तो अच्छी किस्म के पौधों का चुनाव करना चाहिए, और इसकी खेती ज्यादातर सर्दियों में की जाती है। दोमट मिट्टी हो तो बहुत अच्छा है, और इसमें खाद कार्बनिक उर्वरक की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, और ये हमारे पेड़ों के सही विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। धीरज बेटा, इसमें क्या वो कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो तुमने हमें सिखाया था? सबसे पहले अच्छी किस्म की रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, और उसके बाद कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, और इसका उपयोग करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि किसी भी प्रकार के कीड़े या फंगस न लगे इसमें, नहीं तो पूरे पैदावार के साथ पौधे को खराब कर देता है। अरे इतनी मेहनत से खेती करेंगे, ऐसे थोड़ी नुकसान होने देंगे। देखिए, मानसून आते ही लगभग 15 सेंटीमीटर पर ही गुलाब का पौधा लगाना चाहिए, और इसके बाद अच्छी पैदावार के लिए नीम की खली वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे पौधे तो स्वस्थ रहेंगे ही रहेंगे, और इसमें कीड़े भी नहीं लगेंगे। अरे नीम की खली तो रामबाण है ही, लेकिन सिंचाई कैसे करेंगे? आपने बताया था कि पानी का कम इस्तेमाल करना है। देखिए, सबसे पहले तो गुलाब का पौधा लगाने के बाद उसकी सिंचाई कर देनी चाहिए, उसके बाद गर्मियों में 5 से 7 दिनों में, और सर्दियों में 10 से 12 दिनों में इसकी सिंचाई करना चाहिए। और फिर क्या, बस फूलों का पैदावार करो, फूल तोड़ो और बाजार में बेच दो। देखिए, गुलाब की खेती मुनाफा तो देती ही है, और कुछ कुछ दिनों में तो इसकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और कुछ बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है, जैसे कि गुलाब की क्यारियों में जल का जमाव एकदम नहीं होना चाहिए, और समय के अनुसार इसकी कटाई छटाई करते रहना चाहिए, और उचित उर्वरक के साथ इसमें लगने वाले रोगों का निवारण भी बहुत जरूरी है। अरे भैया, मुझे तो गुलाब की खेती बहुत पसंद है, अब जाकर मैं गुलाब की खेती ही करूंगा। हाँ ठीक है भैया, ठीक है। लगता है ये खेती करके ही मानेगा। अरे भाई रुको, हम भी आते हैं। तो कोनो गलत तो ना कह रही, हमको भी इसी बात का डर है। धीरज शहर में रहा है,
एकदम खुले माहौल में। उका तो समाज का रिश्ते नातों की मर्यादा का कोनो भोसी नहीं है। अरे लोग यहाँ बाहरी लड़की को लेके जब बातें बना सकते हैं तो यहाँ तो जेठ और भौजाई का मामला है। नहीं नहीं ऐसे नहीं होने दे सकते। अरे सूरज की मेहरार हुए आसा, भाई भाई के बीच कलह हो गया तो कैसे संभालेंगे हम। सोचे थे सुनील को जब बताएंगी नहीं तो बहुरिया कॉलेज कैसे जा पाएंगी। वो कॉलेज ही नहीं जा पाएंगी तो सब बात अपने आप ही खत्म हो जाएगी। लेकिन धीरज है ना, बड़ा जिद्दी है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने टूटते हुए नहीं दे सकते, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कल परीक्षा देने के लिए जाएंगे, जाएंगे तो यही फटफटिया से ना। पर तब जाएंगे जब ये फटफटिया जाने लायक रहेगी, है ना। किसके रोके रुका है सवेरा। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। किसके रोके रुका है सवेरा। कल परीक्षा देने के लिए जाएंगे, जाएंगे तो यही फटफटिया से ना। पर तब जाएंगे जब ये फटफटिया जाने लायक रहेगी, है ना। चलो उसा। अब देखते हैं ये महारानी परीक्षा देने के लिए कैसे जाती है कल। हरे रामा कृष्णा कृष्णा हरे रामा। अरे वाह माँ, आज तो रेडियो निकालकर एकदम भक्ति भजन में रम गई हो। आज तबीयत भी अच्छी लग रही है आपकी। हाँ बेटा, अब बुढ़ापे में राम राम का नाम नहीं लेंगे तो कब लेंगे। हम तो सोच रहे हैं कि आज से हर रोज शाम को मंदिर जाया करेंगे। अरे वहाँ पंडित जी है ना, बहुत अच्छा अच्छा बातें बताते हैं। हाँ अच्छा माँ, जिसमें तुम्हारी खुशी हो ना वो सब करो, बस खाली अपनी तबीयत का ख्याल रखा करो। हाँ माँ नाश्ता। अरे बेटा, अपना लड़का बच्चा जिसमें खुश रहता है ना, माँ बाप अपने आप ही खुश हो जाते हैं। देखो ना, पहले हमको तुमसे कितना शिकायत था कि विदेश में नौकरी छोड़ के यहाँ गांव आके बैठ गए, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि विदेश में रह के उतना नहीं कर पाते तुम जितना तुम हमारे साथ रह के यहाँ गांव में कर रहे हो। देखो ना, छाया बिटिया भी शहर में अच्छे से पढ़ाई कर रही है और अपना सूरज वो भी अच्छा पैसा कमा रहा है शहर में। और तुम्हारी बहू माँ,
आज वो अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रही है, उसके बारे में कुछ नहीं कहोगी? अरे हम अपनी बहुरिया को तो आशीर्वाद के साथ साथ वो क्या कहते हैं ढेर सारा शुभकामना देते हैं। अरे भाई पूरे गांव में हमारी बहुरिया के जैसी पढ़ी लिखी कोनो बहू नहीं है। अरे लाठी गाड़ के बोल सकते हैं हम केहू को। आज हिम्मत कैसा बर्ताव कर रही है जबकि माँ ने खुद ही सारी तैयारी कर रखी है कि मैं परीक्षा देने ना जा पाऊं। अरे बेटा तुम मन लगा के परीक्षा देना, हाँ कोनो परेशान होने की जरूरत ना है। और ये घर की तो चिंता जरा भी मत करना, यहाँ हम सब संभालेंगे। अरे भाई हमारी बहुरिया आगे बढ़ेगी तो किसका नाम होगा? हमारा ना। इसीलिए तो कहता हूँ मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। इतना बड़ा हो गया लेकिन अभी तक बदमाशी नहीं गया। अम्मा सूरज नहीं है तो उसके हिस्से का प्यार मुझे ही कर लेने दो। माँ मैं सोच रहा था कि सूरज शहर में बढ़िया काम कर रहा है और आशा भी अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगी तो आशा को भी सूरज के पास भेज देंगे, दोनों पति पत्नी एक साथ रहेंगे तो वहां पर आशा सूरज का अच्छे से ख्याल रख पाएगी। अरे बेटा इतने समय से अपनी माई को गोली दे रहा है, वो अपनी मेहरारू को लेके कहां से जाएगा? और अगर तुमको आशा को सूरज के पास भेजना ही है तो एक काम करो बिटवा, अपनी माई की सेवा के लिए एक पतोहू लाके रख दो। क्या कहती हो बहुरिया, तुम्हें नहीं लगता कि घर में कोनो एक जेठानी भी होना चाहिए? क्या कहती हो? माँ अगर बड़ी दीदी घर में आ जाएंगी तो मुझसे ज्यादा खुश कौन होगा? अब बहुत हो गया, तुम दोनों सास बहू मिलके मेरा मेरी टांग खींच रहे हो। अब बेटा परीक्षा की तैयारी हो गई, सब ठीक से पढ़ लिया ना? जी भैया परीक्षा की तैयारी भी हो गई और मैंने सारा सामान भी रख लिया है। और वो प्रवेश पत्र पेन वगैरह सब रख लिया ना? भैया सब कुछ बैग में रख लिया है मैंने। अरे मेरी बहुरिया बहुत समझदार है, क्या लगता है वो पहले कभी परीक्षा देने नहीं गई का? अरे जाओ जाओ बहुरिया जल्दी तैयारी कर लो, तुमको देर लग जाएगी परीक्षा देने में, जाओ। जी माँ। आप ठीक है माँ, मैं भी तैयार हो जाता हूँ, वैसे भी देर हो गई है, आधा घंटे पहले पहुंचना है परीक्षा केंद्र। आखिर हम माँ है बेटा, परीक्षा केंद्र तो समय से तब पहुंचोगे जब यहाँ से निकल पाओ। ये बार बरसात बहुत अच्छा हो गया प्रधान जी, नहीं तो इतना कड़ाके घाम में धरती एकदम तप गया था। यही तो प्रकृति है रामलाल, अगर बहुत बरसात होगी तो भी अच्छा नहीं, तो बहुत धूप होगी तो भी अच्छा नहीं, और अगर मौसम नहीं बदलेगा तो अलग अलग मौसम में इतना बढ़िया बढ़िया फल कैसे मिलेगा? अरे मंगलू राम राम बैठो। क्या ले आए ये सब? अरे प्रधान जी आप खुद ही देख लीजिए ना, एकदम ताजा ताजा पेड़ से तोड़ के लाए। अरे मंगरू ये और है क्या? का है ना केला जो है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है, तब कुछ ज्यादा रहता तो घर लेके जाते और पूरा परिवार के साथ बैठ करके खाते हैं। मेरा आशीर्वाद तो तुमने ले लिया, उसका आशीर्वाद नहीं लोगी जिसकी वजह से तुम परीक्षा देने जा रही हो?
क्या करती हो माँ? घर की बहू बेटियां लक्ष्मी का रूप होती हैं, इनसे पैर थोड़ी ना छुआते हैं। अब चलो आशा, देर हो रही है, चलो। रुको बहुरिया, अरे ऐसे कैसे जा सकती हो तू? रुको। आना है अगर मंजिल।